Assalamualaikum and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहन अदीम. आज के एपिसोड में we have lots in store for you. खास तौर पे जो अभी T20 सीरीज कंक्लूड हुई है बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, the 5-match T20 सीरीज. तीन मैचेस रावलपिंडी में खेले गए और दो लाहौर में खेले गए, उन सब पे भी बात करेंगे. फिर ऑफ कोर्स मूविंग ऑन फ्रॉम द सीरीज लीडिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप, वी विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशंस. That's the buzzword right now in the context of the World Cup, of course. तो हम अपने स्क्वाड के बारे में और जो कुछ एरियाज हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी आफ्टर दिस सीरीज या यू नो लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, जितने भी मैचेस अभी रहते हैं, तो वी विल ऑफ कोर्स टेक अ लुक एट दोज एरियाज एज वेल. एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा कोचिंग स्टाफ भी बात करेंगे एंड सम ऑफ द न्यू फेसेस दैट आर नाउ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम. And some old ones as well. So we will talk about all of that in today's episode of Cricket on Loop. And joining me on the loop is Mazhar Arshad yet again. Mazhar, Assalamualaikum. Welcome to the show. कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप बताएं आप कैसे हैं? All good, Mazhar. लाहौर में गर्मी भी बढ़ रही है और गर्मी के साथ साथ ना वो जो होती है ना एक existential frustration, वो भी creep in कर रही है, खास तौर पे for us, for the cricket fans, because this means that we are just weeks away from the T20 World Cup, right? और अभी इस series को हमने जितना भी तोला, इसको हमने analyze किया in the context of the World Cup, हम उसी के बारे में थोड़ा detail में आज बात करते हैं start में, because जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ न्यूजीलैंड का तो बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया, हमने भी डिस्कस किया था कि ये उनका फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं है, बहुत प्लेयर्स उनके मिसिंग हैं, एंड दिस शुड बी एन इजी वाइट वॉश एट होम फॉर पाकिस्तान, अ गुड चांस फॉर अस टू रियली पॉलिश आवर स्किल्स, कंसिडरिंग कि हम अपने सारे मेन प्लेयर्स जो है वो खिला रहे थे इस सीरीज में. दैट कुडंट हैपन. इन फैक्ट इट वॉज अ ड्रॉ एंड अ वेरी क्लोज वन. So what will you say on the result of this series? Do you think it should have been an easy whitewash for Pakistan? I think ideally तो पाकिस्तान को सीरीज जीतनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप स्क्वाड की स्ट्रेंथ देखें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो काफी स्ट्रांग था. बट आई थिंक पाकिस्तान ने भी सिर्फ एक जो मैच था जो कि पाकिस्तान जो हारा है, जिसमें कि न्यूजीलैंड ने 179 किया, उसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड था. जो प्लेइंग 11 थी वो आपकी एक कह सकते हैं कि नियरली फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 थी. उसके अलावा बाद में अगर आप देखें तो रिजवान रेस्ट कर रहे हैं, या नसीम शाह रेस्ट कर रहे हैं, शाहीन रेस्ट कर रहे हैं, शादाब खेल रहे थे लेकिन बॉलिंग नहीं की. पाकिस्तान ने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी की, जिस तरह पिछला मैच अगर आप देखें, इवन दो पाकिस्तान वन, बट for the first time in their history they used 8 bowlers in a game. So I think ke thoda sa Pakistan ko wo aapko margin dena chahiye ki hum kehte hain ki aapne experimentation karna hai, jab wo karte hain aur agar usme aapko ye agar match haar jate hain to I think usko thoda sa jo hai na wo fans ko bardasht karna chahiye. But still I think Pakistan they should have won the series. Aur jo disappointing factor tha wo जो पाकिस्तान पिंडी में जो मैच हारा कि आपने पार स्कोर नहीं किया पहले तो, एंड देन आपकी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग, शाहीन थे उसमें, नसीम थे, आपका बॉलिंग अटैक तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि हारिस रऊफ मिसिंग थे, एंड यू लॉस्ट दैट गेम. तो वो बस एक थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट था, बाकी आई थिंक थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है पाकिस्तान की टीम को. अच्छा, बिफोर द सीरीज बाबर आजम ने भी बार बार ये बात की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि अ लॉट ऑफ शफलिंग विल हैपन इन दिस सीरीज एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट विल हैपन एज वेल, एंड इट वाज गुड टू सी दैट He followed through with that. You know, सिर्फ उन्होंने कहने को नहीं कहा था, ये एक्चुअली हर मैच में, जैसे आपने भी कहा कि शफलिंग भी हुई थी बैटिंग में, प्लेयर्स वर सेंट अप एंड डाउन, फखर केम इन एट 4 व्हेन ही वाज नीडेड, उस्मान खान भी पहले 4 पे आए रिजवान के होते हुए, फिर उनको भी 3 पे भेजा गया. फिर ऑफकोर्स हमने इफ्तिखार और शादाब को तो हम देखते रहते हैं कि वो जरूरत के मौके पे उनको भी एज वो फ्लोटर्स, खास तौर पे शादा आप आफ्टर द पीएसएल, तो इस पे आप क्या कहेंगे? डू यू थिंक वी हैव शफल्ड द बैटिंग इनफ? बिकॉज़ आप अमल के हमने अपने इस शो पे भी काफी ओपनिंग पेयर को लेके भी काफी डिस्कशंस की थी कि मे बी इट्स टाइम नाउ फॉर रिजवान टू स्टेप आउट ऑफ दैट रोल एंड
Babar and Saim to be the permanent pair. So what are your thoughts after the four matches that you have seen? Is the shuffling working, or do we still need more time to really define the roles of each batter? नहीं देखिए, शफल तो पाकिस्तान ने ठीक किया है, उस्मान खान को नंबर तीन पे आखिरी दो मैचेस में खिलाया, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि रिजवान वॉज नॉट इन द प्लेइंग 11। लेकिन अगर रिजवान खेल रहे होते तो क्या पाकिस्तान ये रिस्क लेता कि उस्मान को तीन पे खिलाते और रिजवान को नीचे? ये एक अभी बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि पाकिस्तान को आगे जाके कमिंग मैचेस में लेना होगा व्हेन रिजवान इज बैक इन द टीम। बाकी आई थिंक ओवरऑल तो पाकिस्तान ने अच्छी जो है वो कॉम्बिनेशन ट्राई की है, जैसा कि आपने भी बोला बाबर और साइम का ओपन करना, पिशावर जलमी के लिए तो वो करते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, इवन दो के कुछ ज्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिली, बट आई थिंक दे नीड मोर टाइम स्पेशली साइम। देन हमने शादाब को देखा, कभी नीचे आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, इफ्तिखार को भी थोड़ा सा उन्होंने फ्लक्चुएट किया है, तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी या जो प्लानिंग थी वो आप कह सकते हैं कि काफी बेहतर थी। And what about the finisher problem? Because we knew ke jab fitness camp bhi laga, we saw that there was a lot of buzz around Azam Khan being in that role. But now since he is injured, is series mein humne us role mein aate hue kisi ko nahi dekha. Ek match hum sirf 4 runs se haare the, despite having the likes of Babar in the sides, and of course Shadab as well down the order, Iftikhar also being in that role, but still just 4 runs makes you really think ki kisi player ne step up nahi kiya and lamba nahi leke gaye innings ko. Ye kitna bada problem rahega aage jaake bhi, and of course isme aap Azam Khan ko kahan pe dekhte hain? देखिए, एक तो इसमें ये है कि बाबर उस मैच में जल्दी आउट हो गए और रिजवान नहीं खेल रहे थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने 174 किया, तो एक तो ये जो मिथ है कि आपके जो सीनियर्स हैं सिर्फ वो जब परफॉर्म करेंगे तब आप लंबा टोटल करेंगे, आई थिंक उसको जो है ना अब जरा हमें हट के सोचना चाहिए कि अगर किसी मैच में बाबर आजम जल्दी आउट हो भी जाते हैं या रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान दे कैन स्टिल स्कोर 170+। अब अगर एक टीम 170+ कर सकती है तो वो 200 तक भी जा सकती है विद माइनर ट्वीक्स। वो एक पाकिस्तान का आई थिंक अच्छा दिन नहीं था। साइम हर दिन फेल नहीं होगा, उस्मान खान हर दिन फेल नहीं होगा, आपके पावर हिटर्स हर दिन फेल नहीं होंगे, और इतनी पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ है कि वो 200 तक जा सकते हैं। तो आई थिंक वंस आजम इज बैक, वंस रिजवान इज बैक, तो आपका जो बैटिंग है वो मजीद जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। असल जो चीज है कि पाकिस्तान ने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, आप अपने पावर हिटर्स को कितनी बॉल्स दे रहे हैं, आप अपने एंकर्स को कहां पे यूज कर रहे हैं, आई थिंक ये वो चीजें जिसमें कि पाकिस्तान को थोड़ा सा ख्याल रखना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में व्हाट डू यू थिंक उस्मान खान ब्रिंग्स टू दिस साइड? बिकॉज़ रोल्स की हमने काफी बात की है ना इस साइड के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स को बताना कि आप फिनिशर हैं या आप एंकर हैं या आपने आके स्ट्राइक करना है, स्पेसिफिक स्ट्राइक रेट पे आके आपने लेके जाना है, स्पेशली पावर प्ले में। अब अगर हम उस्मान खान के एग्जांपल लें, पीएसएल में एज अ टॉप ऑर्डर बैटर, यू नो, वो ऊपर आके उन्होंने जिस तरह लंबी इनिंग्स खेली, बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो मैच में, बट इस सीरीज में उनको भी वही बात है कि जब रिजवान साइड में होंगे क्या रोल उस्मान खान का बन रहा है आगे? बिकॉज अभी तक लोग यही कह रहे हैं कि भाई हमें वो वाला उस्मान खान चाहिए जो हमने पीएसएल में देखा था, इस सीरीज में तो हमें शायद उनके नंबर की वजह से ही वो नहीं उनको मौका मिल सका। आइडियली आप इसका क्या सलूशन देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट की जो ट्रांजिशन है ना, ये थोड़ा इसमें टाइम लगता है, थोड़ी मुश्किल होती है। हर कोई प्लेयर आते साथ ही, स्पेशली एक ऐसा प्लेयर जिसका कि बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास का या डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस ना हो, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करने में टू इंटरनेशनल क्रिकेट। एज आप अगर न्यूजीलैंड के भी कुछ प्लेयर्स को देखें, वो भी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उस तरीके से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए जिस तरह के वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में कर रहे थे। तो एक तो ये है कि थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। जो आपने दूसरी बात की उनके रोल की, आई थिंक के T20 में सिर्फ ओपनिंग जो है वो मैटर करती है कि आपकी ओपनर्स कौन है, उसके बाद जितनी भी पोजीशन है नंबर 3, 4, 5 ये सब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो आइडियली उस्मान शुड बी गिवन मोर बॉल्स, पावर प्ले में उनकी बारी आनी चाहिए। उनकी 4 सेंचुरीज हैं T20 क्रिकेट में और चारों की चारों उनकी इन टॉप 3 पोजीशंस हैं। अभी IL T20 में भी UAE में जब वो नीचे खेल रहे थे उनसे रन्स नहीं हुए, बाकी भी जगहों पे जब वो 3 से नीचे आते हैं उनसे रन्स नहीं होते। तो अगर तो आई थिंक
साई में यूथ जल्दी आउट हो जाते हैं, आई होप के वो ना हो, लेकिन अगर हो जाते हैं देन उस्मान शुड बी योर नंबर थ्री. बट अगर बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं पहले या दूसरे ओवर में, देन रिजवान शुड बी योर नंबर थ्री. तो आई थिंक ये पाकिस्तान को इन कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना बड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा. साय मयूब की भी आपने बात की, उनका भी रन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो जो पार्टनरशिप हमने उनकी और बाबर आजम की देखी PSL में, बड़ा सक्सेस रेट उनका अच्छा था। ऑलमोस्ट हर मैच में ही उन्होंने पेशावर जलमी को एक अच्छा स्टार्ट दिया, जिसकी वजह से फिर वो बड़े स्कोर्स भी करते रहे। तो इस सीरीज में हम सायम को उस तरह से नहीं देख सके, क्या वजह है? यू थिंक इट्स जस्ट द इंटरनेशनल जिटर्स, बिकॉज ग्राउंड भी वही है, और बॉलिंग अटैक का कोई डिफरेंस है आपको लगता है इन क्वालिटी? बिकॉज PSL में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ स्कोर्स किए हुए हैं। सो ये जो सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस वक्त सायम अयूब पे, इज इट जस्टिफाइड? नहीं, बिल्कुल भी जस्टिफाइड तो बिल्कुल नहीं है. थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होंगे पाकिस्तान के फैंस भी और मैनेजमेंट भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछली एक दो साल PSL में परफॉर्म किया है या डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है या इवन CPL में जो उन्होंने परफॉर्म किया था, अभी तक वो उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे सके पाकिस्तान की. एक उनका 49 था अच्छा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें आई थिंक वो बड़ी सेल्फलेस इनिंग्स थी कि उन्होंने अपने 50 के लिए गए और वो 48-49 के ऊपर आउट हो गए. उसके अलावा आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है. बट अगेन जो हमने उस्मान खान के ऊपर भी बात की थी कि जो ट्रांजिशन होती है वो थोड़ी मुश्किल है, तो अभी यंग भी हैं, थोड़ा मजीद उनको टाइम दें. बट मैं ये बात जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान को साइन के बैकअप के साथ जाना चाहिए वर्ल्ड कप में. इन केस अगर साइन खुद को स्टेब्लिश नहीं कर पाते बिफोर द वर्ल्ड कप, देन यू शुड हैव लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट. और वो मुझे भी जो है मोहम्मद हारिस नजर आ रही हैं, जो कि पिशावर जलमी की ही टीम में खेलते हैं और टॉप ऑर्डर में खेलते हैं. चले, लेट्स होप कि अभी जो 7 मैचेस आई थिंक रह गए हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, तो ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो अभी थोड़े सवाल हैं, इनके जवाब हमें मिल जाएंगे उस टाइम पे। बट आपने यही बात, हम बार बार यही बात करते हैं कि इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले इफ वी हैव टू गो फॉर दैट बिग टोटल, बिग रन ऑन द बोर्ड। बिकॉज मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर हम बात करें, स्टैट्स में भी आप देख लें, दुनिया में जो बड़ी टीम्स हैं उनके जो ओपनिंग पेयर्स हैं उनके क्या स्ट्राइक रेट्स होते हैं, और बार बार ये कंपैरिजन किया जाता था विद बाबर एंड रिजवान। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड शफलिंग की बात है, ये आई थिंक इट्स इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान इन अपकमिंग वर्ल्ड कप। बट मजर बैटिंग के चले, ये थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो कि अभी कुछ मैचेस में शायद सॉल्व होते हुए नजर आए, बिकॉज ऑफकोर्स रिजवान होपफुली will be fit soon and Azam as well. Bowling की तरफ अगर हम आए, we do have options now. Options की शायद कभी भी कमी नहीं थी पाकिस्तान के पास as far as bowling is concerned. इस सीरीज में आपको क्या पॉजिटिव्स नजर आए बॉलिंग के साथ, especially with the return of मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम? क्या क्या डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अटैक आपको नजर आया? देखें, एक तो शाहीन का फॉर्म में वापस आना, 8 उन्होंने आउट किए इस सीरीज में, और उसमें ऑब्वियसली पूरी सीरीज उन्होंने नहीं खेली. पहले मैच में सिर्फ 2 बॉल्स हुई, एक मैच उन्होंने मिस किया. तो आई थिंक 8 विकेट्स लेना 10 की एवरेज के ऊपर, इकोनॉमी below 8, तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है. देन प्लेयर ऑफ द सीरीज एज वेल. और वो जो पहले ओवर में आउट करने की जो हम बात करते हैं, इस सीरीज में उन्होंने 2 बार की है. तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि शाहीन जो है वो हमें थोड़ा सा वापस अपने बेस्ट में नजर आया. अभी भी आई थिंक ही वाज नॉट एट हिज लाइक कंप्लीट बेस्ट, बट स्टिल उन्होंने जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं. नसीम शाह पाकिस्तान के लिए काफी देर के बाद खेले हैं. PSL तो वो खेल ही रहे थे, लेकिन वो जो उनको इंजरी हुई थी शोल्डर की, उसके बाद वो खेले हैं. दैट्स अ गुड साइन. देन शाहीन ने ये बोला कि हारिस लोग भी रिकवर कर रहे हैं एंड होपफुली बाय द इंग्लैंड सीरीज ही विल बी फिट. ये एक और अच्छी न्यूज है. इमाद वसीम ने दिखाया कि वो नया बॉल भी कर सकते हैं, बीच में भी बॉलिंग कर सकते हैं. अबरार ने आउट किए हैं, तो आई थिंक के बॉलिंग आमिर एक एक मैच में जो है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी. तो आई थिंक के पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना वो ज्यादा जो है इस टाइम अच्छी लग रही है. इवन दो के जो पहले ऑप्शंस हुआ करती थी, पाकिस्तान के पास 7-8 बॉलर्स की ऑप्शन होती थी, उसमें आप 4 पिक करते थे, वो अभी नहीं है. आपके पास अब 4-5 ही ऑप्शन है. बट ये है कि इन प्लेयर्स का फॉर्म में वापस आना, ये जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा साइन है. बिल्कुल, और राइट टाइम पे वापस आना। अभी आयरलैंड की सीरीज है, इंग्लैंड के साथ मैचेस हैं,
तो यही बोलने का वहां जाके कैसा परफॉर्म करती है ये देखना होगा. लेकिन एज फार एज द कॉम्बिनेशंस गो, डू यू थिंक वी हैव फिगर्ड आउट कि हमारी फर्स्ट चॉइस जो 11 है क्या होगी बोलिंग को लेके? आई थिंक डिपेंड करता है हारिस रऊफ की फिटनेस के ऊपर। अगर तो हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं देन आई थिंक शाहीन, हारिस और नसीम आपके फास्ट बॉलर्स होंगे, और जो स्पिनर्स हैं वो शादाब और इमाद वसीम होंगे। पार्ट टाइमर्स में आपके पास इफ्तिखार हैं, साइम हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी पिच आ जाती है जहां पे कि आपको चार फास्ट बॉलर्स खिलाना पड़ जाए देन पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर तो आप पांच फास्ट बॉलर लेके जाएंगे जिनमें कि ज्यादा बैटिंग एबिलिटी ना हो तो पाकिस्तान कभी भी चार फास्ट बॉलर्स नहीं खिलाएगा, क्योंकि उससे उनको ये होगा कि हमारी बैटिंग वीक हो जाएगी, जो कि मेलबर्न में हो चुके आपके साथ इंडिया की अगेंस्ट। इस वजह से एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का होना स्क्वाड में बहुत जरूरी है, समबडी लाइक आमिर जमाल, ताकि अगर आपको चार फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ जाए तो आपको ये जो है वो टेंशन ना हो कि हमारी बैटिंग कौन करेगा, क्योंकि आमिर जमाल जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान को एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि देखना होगी कि आपकी टीम में एक अच्छा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। अच्छा, डू यू नॉट सी अब्बास अफरीदी फुलफिलिंग दैट रोल? बिकॉज उन्होंने भी एक मैच में बड़ा अच्छा स्पेल कराया, तो वेयर डू यू सी हिम फिटिंग देखिए, अब्बास अफरीदी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, वेरिएशंस का अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पीएसएल में भी इन? विकेट्स लिए हैं, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो है उनका स्टार्ट बिल्कुल ठीक है। बट अगेन, अगर तो आपके पास आमिर है, शाहीन है, नसीम है, हारिस है और अब्बास है, अगर आप इन पांच बॉलर्स के साथ जा रहे हैं देन पाकिस्तान कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि चार फास्ट बॉलर्स को खिलाए, क्योंकि आपकी बैटिंग वीक होगी, ये पाकिस्तान ऐसा सोचेगा। तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, और अब्बास अफरीदी अभी यंग है, इवेंचुअली उनको बहुत मौके मिलेंगे। बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो देयर शुड बी वन सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, और वो अभी जो जितने भी हमने प्लेयर्स देखे हैं पीएसएल में, उसमें आमिर जमाल से बेहतर कोई अच्छी ऑप्शन नजर आ नहीं रही। चलें, अब आते हैं थोड़ी और न्यूज की तरफ. पाकिस्तान ने अपना कोचिंग स्टाफ भी अनाउंस किया है. गिलेस्पी हैं जी और गैरी कर्स्टन हैं, एंड दे हैव बीन अनाउंस्ड एज द रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल कोचेस. अजहर महमूद वाज ऑलरेडी यू नो पार्ट ऑफ द सेटअप, इन्होंने इस सीरीज में हेड कोच का रोल प्ले किया. मूविंग फर्दर वो असिस्टेंट कोच रहेंगे. एंड ऑफ कोर्स वी हैव द लाइक्स ऑफ मोहम्मद यूसुफ एज वेल. क्या कहेंगे आप इस कोचिंग सेटअप के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड? बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले, कुछ टाइम पहले ही, जब आपको एक कोच, नया कोच आए सेटअप के अंदर, उसका क्या अब रोड मैप होगा इतना क्लोज टू द वर्ल्ड कप? एंड हाउ विल पाकिस्तान एडजस्ट टू दिस न्यू मैनेजमेंट एंड दिस न्यू डायरेक्शन? देखिए, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है जब आप एक नए एनवायरनमेंट में आ रहे हो और पाकिस्तान की टीम को जरा हैंडल करना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाने में आपको अक्सर काफी टाइम लग जाता है। जिस तरह मिकी आर्थर थे तो वो ये कहा करते थे कि बाबर और रिजवान को ओपन नहीं करना चाहिए व्हेन ही वाज नॉट इन द टीम एज अ कोच, वो जब वो एक्सपर्ट थे। बट जब वो टीम में आए तो वो उस कॉम्बिनेशन को इमिडिएटली नहीं जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके थे, और बाबर और रिजवान ने ही ओपन किया था लास्ट ईयर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो पाकिस्तान में चैलेंजेस होते हैं। तो गैरी कस्टन, एक तो ये है कि कल्चर से थोड़ा सा वो वाकिफ होंगे सब कॉन्टिनेंट का जो है, थोड़ा बहुत आई मीन, क्योंकि वो इंडिया के कोच रह चुके हैं। जब इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीता था तो ही वॉज कोच ऑफ दैट टीम, देन आईपीएल में काफी कोचिंग करते हैं। तो आई एम श्योर के उनको थोड़ा सा यहाँ के कल्चर का तो आइडिया होगा, बट ड्रेसिंग रूम में एडजस्ट करना उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगे। और आजकल जो कोचिंग होती है वो ज्यादातर ये मैन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी बनाना ही होती है। आपने किसी को मतलब कि बैटिंग नहीं सिखानी होती या बॉलिंग नहीं सिखानी होती, उसके लिए डिफरेंट जो है वो कोचेज होते हैं। नजर महमूद भी हैं तो आई एम श्योर कि उनकी भी एक इनपुट होगी, और मुझे तो ये काफी अच्छी अपॉइंटमेंट लगी है पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि गैरी कस्टन का जो अगर आप उनकी सीवी देखें तो काफी इंप्रेसिव है। इसी तरह अगर आप टेस्ट मैचेस में देखें, इवन दो के पाकिस्तान का जो अगला टेस्ट मैच है वो अगस्त के अंदर है, अभी काफी टाइम है, उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, देन इंग्लैंड ने आना है, तो पांच टेस्ट मैचेस होंगे। तो जेसन गिलेस्पी जो है उनका भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंग्लैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो दोनों अपॉइंटमेंट्स आई थिंक काफी अच्छी हैं, बट गैरी कस्टन की जो है वो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो कैसे जो है वो इस टीम को आगे लेके चलते हैं वर्ल्ड कप। राइट. चले, लेट्स मूव ऑन टू वन मोर ब्रेकिंग न्यूज दैट वी ऑल केम अक्रॉस इन दिस पास्ट वीक,
which was Bisma Maru's retirement. Of course, the former captain of the Pakistan women's team, 17 साल का करियर उनका बेशुमार रन्स, उन्होंने ओवर 3,000 रन्स इन वन डेज, फिर T20s में भी पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ रन्स. And you know she retired as the leading run scorer in ODIs and T20 internationals for Pakistan, and not just that, as a captain as well, she has a lot of feathers in her cap. बहुत you know जैसे कहते हैं ना, leading by example in all areas, you know, on the field, off the field as well. Now क्या कहेंगे आप on the mark that Bisma Maru has left on the Pakistan cricket map? देखिए रोहा, रिकॉर्ड्स और नंबर्स ये तो अपनी जगह होते हैं, अचीवमेंट्स अपनी जगह होती हैं। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसकी लाइफ में अगर वो इतना लंबा खेल रहा है तो आपको बहुत सी उसकी इस तरह के रिकॉर्ड्स मिलेंगे। जिस तरह के आपने भी बताया कि सबसे ज्यादा उनके रन हैं पाकिस्तान के लिए विमेन्स क्रिकेट में, ओडीएस में भी, T20 इंटरनेशनल्स में भी, और पाकिस्तान की कैप्टन भी रही हैं। लेकिन जो असल चीज है वो एक लेगेसी को छोड़ के जाना, लोगों को इंस्पायर करना, बच्चों को इंस्पायर करना, यंग गर्ल्स इन पाकिस्तान उनको इंस्पायर करना कि आप जो है वो इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। और वो जो इमेजेस थे वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड में, कि व्हेन शी वाज कैरिंग हर यंग बेबी और साथ वो क्रिकेट भी खेल रही थी, आई थिंक दैट वाज रियली इंप्रेसिव। और जब उन्होंने मटर्निटी लीव ली थी तो बहुत से इस तरह डाउट्स थे कि जी उसके बाद ये परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, कितना उनके लिए मुश्किल होगा, आप अपने बेबी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। एंड इन हर सेकेंड गेम शी स्कोर 78 नॉट आउट इन अ वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सो दैट वॉज समथिंग रियली इम्प्रेसिव। तो जैसे मैंने बात की कि जब आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं टू टेक अप द स्पोर्ट, टू प्ले क्रिकेट, इससे बड़ी जो है वो आपकी आपके करियर में कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू बिस्मा, जिस तरीके से उन्होंने खुद को कैरी किया, पाकिस्तान की क्रिकेट को कैरी किया, पाकिस्तान की क्रिकेट को लीड किया है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और देर इज नो डाउट कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के मेन्स या वीमेन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर जो लेजेंड्स आए हैं, बिस्मा का शुमार जो है वो उन प्लेयर्स के अंदर होता है। नो डाउट्स अबाउट दैट. आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मजर हाईलाइट किया है, क्योंकि हम अक्सर स्टैट्स में और नंबर्स में ये भूल जाते हैं कि जो एक्चुअल इम्पैक्ट है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, जो आपने हाईलाइट किया. बड़ा सरप्राइजिंग था कि 2021 में जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मटर्निटी लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई. इट टुक देम सो लॉन्ग एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ बिस्मा मारूफ एंड जो इम्पोर्टेंस उनकी थी उस सर्किट के अंदर, उसको देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, देर हैज टू बी अ पॉलिसी इन प्लेस. एंड नाउ शी हैज मेड इट सो इजी एंड सो इसे कहते हैं ना, इनकरेजिंग फॉर द फ्यूचर मदर्स हु वांट टू ऑफ कोर्स कंटिन्यू प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर एम्ब्रेसिंग मदरहुड एंड यू नो शोइंग एवरीबॉडी कि ये चीजें साइड बाय साइड पैरेलल चल सकती हैं. सो beyond numbers, I think that you can't measure that legacy, that kind of impact in numbers. But of course, we are wishing her all the best for her future, and we are so excited to see what she will do next. मज़र यहाँ पे आज का एपिसोड जो है वो रैप अप होता है, because we have talked about pretty much everything that happened in this past week, and a lot happened in this past week. Now going forward, we have about 7 matches before the T20 World Cup, so fingers crossed. Thank you so much for being on the show with me. Aap sabka bhi bahut shukriya for watching. This was Cricket on Loop. We will be back with more in the next one. Tab tak ke liye, take care. Bye bye.